स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी सिंगाटिया और इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं आपकी क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर सेकंड आपका चल रहा था बहुपद, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4। और 2.3 तक हमने क्या कुछ सीख लिया था, सिंपल हमने भाग देना सीख लिया था, उससे पहले हमने बहुपदों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि अब तक हमने एक चीज़ सीखी थी कि हमें किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग कैसे दिया जाता है, और उसके बाद जो शेषफल बचता है वो भी हम बता देते हैं कि इसको जब इससे भाग दिया तो ये शेषफल बच रहा है। ये चीज़ हमें बहुत ही कॉमन लग रही थी। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमने एक ऐसा भी किया था जिसमें उसने पूछा था कि बताइए कि एक बहुपद जो दिया है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट पर हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन चलेंगे। वो कैसे, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, और बताइए कि जो 2 और 3 है वो 6 के गुणनखंड है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे कि सिंपल सी बात है 6 को टुकड़ों में तोड़ोगे तो 2 और 3 ही तो आते हैं ना, इसका मतलब 2 और 3 गुणनखंड है। और गुणनखंड का प्रॉपर मीनिंग ये होता है कि ऐसी संख्या या ऐसा छोटा टुकड़ा जिसका उसमें पूरा पूरा भाग जाए। 2 का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है, जाता है। 3 पे पूरा पूरा भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि शेषफल 0 आता है। उसी तरीके से कि अगर कोई बहुपद हमें दिया गया है, कोई बहुपद हमें दे दिया PX, ठीक है, PX लिख सकते हैं ना हम उसको, PX को आप भाग दे रहे हो GX से, ठीक है। अगर हमारा जो शेषफल बचेगा, शेषफल अगर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि GX PX के अंदर भाग दे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब GX PX का एक जो है गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब गुणनखंड होगा या नहीं ये पूछ लिया जाए तो आप उसको भाग दोगे, भाग दे करके शेषफल ज्ञात करोगे, और शेषफल ज्ञात करना हमने खूब प्रैक्टिस कर ली है एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। यानी कि आपको कहा है कि x+1 जो है वो किन किन बहुपदों का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 हमें बहुपद दिए गए हैं, उनका चेक करते हैं। पहला जो हमें बहुपद दिया है वो दिया है x³ + x² + x+1, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि इसका गुणनखंड x+1 है या नहीं। तो सिंपल बेसिक तरीका कि आप भाग दो x³ + x² + x+1 को किससे भाग दोगे, जिसको चेक करना है x+1 से, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कल हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि इस x³ को, यानी कि इस x को x³ बनाना है तो क्या किया जाए, यानी कि इसका पहला पहला उठा लिया और इसका भी पहला पहला उठा लिया, इस x को x³ बनाना है तो कितने से गुणा किया जाए। तो सिंपल सी बात है कि हम x² से गुणा कर दें। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, x² से x को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा, और क्योंकि पूरे के साथ गुणा होने वाला है तो x² को जब 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, माइनस करते हो ना, माइनस किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर निशान चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया उसको यहाँ पर उतार लीजिए x+1। अब इसका पहला पहला उठाओ और इसका पहला पहला उठाओ, सेम आ रहे हैं क्या, इसका मतलब इसको कितने से गुणा करें कि यही आ जाए, 1 से गुणा कर दें तो यही आ जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब इसको कितने से गुणा कर देते हैं, +1 से। अब 1 को इस पूरे से गुणा करो, कितना आएगा, x+1, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शेषफल आ गया, 0। इसका मतलब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब x+1 का इसमें भाग दें तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो ये कंसेप्ट को आपको समझ में आ गया ना। अब भाग कैसे देते हैं इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लो। इसमें अपने क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस चीज़ को भाग देना है उसका पहला पहला पद उठा लो, पहला पद उठा लिया, और जिससे भाग देना उसका भी पहला पद उठा लिया। अब देखो कि इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या किया जाए, तो इसके भी 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपल सोच लो कि इसको इसके
जैसा बनाए तो किस से गुणा करें, एक्स स्क्वायर से। फिर जो लिखोगे उसको पूरे से गुणा करके यहाँ पर लिख देना, या फिर इसे नहीं पता चल रहा तो आप एक काम करो कि इसको उठाओ एक्स क्यूब को, ठीक है। किसको बनाना है, एक्स को बनाना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब में एक्स के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं ये करने के लिए इसको भाग दे दो। भाग दोगे तो कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यानी कि एक्स क्यूब के अंदर एक तो है एक्स और एक क्या है एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब एक्स को एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज़ें, आपको ये समझ में आ गई ना। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया ना तो आपके ये भाग वाले गुणनखंड वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको ऐसा बनाने का काम आपने करना है और खूब सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला जो था वो तो जी हाँ ये x प्लस वन इसका गुणनखंड है पहले का। तो दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो सेकंड पार्ट है वो कहता है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है तो बहुत ही सिंपल है, उसी तरह से भाग दे करके देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको भाग दे करके देखेंगे एक्स प्लस वन से। अब देखिए ज़रा, वही तरीका हमारा सेम, इसका पहला उठा लिया और इसका भी पहला उठा लिया। अब बताओ ज़रा, एक्स की पावर 4 में बदलना है एक्स को, क्या किया जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप एक काम करो, x की पावर 4 को x से भाग दो, कितना आया, एक पावर कट गई तो x क्यूब बच गया ना। इसका मतलब इसको x क्यूब से गुणा कर दिया जाए तो x की पावर 4 आ जाएगी। और सिंपल आप सीधा भी सोच सकते हो कि x को अगर x की पावर 4 बनाना है तो x क्यूब से गुणा करना पड़ेगा। तो x की क्यूब से जब इस पूरे को गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा तो पूरे का होगा ना, देखना पहले से है लेकिन गुणा पूरे को करना है, ठीक है। एक्स क्यूब का इन दोनों के साथ गुणा होगा तो एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब का प्लस वन के साथ हुआ तो प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। इनको घटाते हैं, घटाया तो ये तो हो गए कैंसिल, क्या बच गया यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पूरा ही उतार लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो ज़रा, इस एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक एक्स के साथ गुणा कर देना, ठीक है। तो प्लस एक्स के साथ हमने गुणा करवा दिया, प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू वन कितना हो गया एक्स आ गया। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, ये हो गया कैंसिल और क्या बच गया, लास्ट में बच गया प्लस वन, ठीक है। इसको डायरेक्ट वन भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक डाउट हो गया हमें कि बताइए कि अब शेषफल यहीं तक छोड़ दें आगे लेकर के जाएं, तो आगे आपको नहीं लेकर के जाना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जब तक एक्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको काम करना है, जैसे ही एक्स खत्म हो गए तब तक काम खत्म, क्योंकि यहाँ पर तो x मौजूद है। इस x को चाहे आप कितने से भी गुणा कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जीरो से करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसको इस रूप में चेंज नहीं कर सकते, इसको शेषफल के रूप में छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि जैसे ही x खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ये क्या गया शेषफल। अब बताओ जरा कि यहाँ पर शेषफल जीरो आया क्या, आप कहेंगे शेषफल तो जीरो नहीं आया। शेषफल जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल जीरो आएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया। तो देखिए है तो बहुत ही सिंपल, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना उनमें हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स ज़रूर कर देते हैं। तो इसमें बहुत ही ध्यान से देखना है और थोड़ा सा माइंड खोल के अगर आप करोगे ना, थोड़ा सा माइंड खोल के कि हाँ इसको अगर ऐसा बनाना है तो किससे गुणा करूँ, अदरवाइज़ आप भाग दे के देख ही लोगे कि इसको किससे गुणा किया जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हम करेंगे और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत मज़ेदार तरीके से हम करेंगे और बहुत मजेदार आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब चलिए, इसका जो है थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट आपको चेक करना है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये आपका बहुपद है और इसको आपको भाग देना है किस से, x प्लस वन से, क्योंकि आपको चेक करना है ना सभी बहुपदों में, पहले क्वेश्चन के जो भी चार पार्ट हैं चारों में आपको ये चेक करना है कि x प्लस वन जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसका मतलब इससे भाग दे के आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ जी इसका जो है ये गुणनखंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर शेषफल आ रहा है तो शेषफल कितना आ रहा है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन हो गया तो डन लिख के फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन हो गया आपका।
अब चलते हैं हम इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा मेरे को हार्ड लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में वो कह रहा है माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स, ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है प्लस अंडर रूट दो, प्लस अंडर रूट दो, ठीक है। इसको वो कह रहा है कि चेक करो कि x प्लस वन जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं, x प्लस वन चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको x प्लस वन से भाग दे करके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू, इसको भाग दे करके देखो भाई x प्लस वन से। अब बताओ x को अगर मुझे x क्यूब बनाना है तो क्या करूँ, सिंपल सी बात है x स्क्वायर से गुणा कर दूँ ना। x स्क्वायर से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, और इसके साथ किया तो क्या आ जाएगा, प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, निशान चेंज हो जाते हैं ना जैसे ही माइनस करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का एक्स स्क्वायर और एक और माइनस का एक्स स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के दो एक्स स्क्वायर हो गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद जो भी दिया हुआ है उसको नीचे नोट कर लीजिए, कितना आ रहा है माइनस दो। इन दोनों को है ना, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इसको जो है ना वैसा का वैसा भी नोट कर सकते हो, इन दोनों को अलग अलग करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अपने क्या करते हैं, इनको चलिए एक बार ऐसा का ऐसा ही नोट कर लेते हैं, प्लस अंडर रूट दो, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे को एक्स को माइनस दो एक्स स्क्वायर बनाना है तो क्या चाहिए मुझे, तो एक तो माइनस से गुणा कराना पड़ेगा, एक मुझे दो से गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि माइनस दो से तो गुणा कराना पड़ेगा, उसके अलावा मुझे एक एक्स तो है, एक एक्स और चाहिए तो एक्स से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सिंपल आप माइनस दो एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दे के देख लो, तो माइनस दो एक्स से गुणा कराना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात आपको पता चल गई। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है, सिर्फ देखना आपने क्या है, पहला इसका भी पहला देखना है, इसका भी पहला देखना है, ठीक है। तो माइनस दो एक्स से पूरे को गुणा कराओ, माइनस दो एक्स से इस पूरे को गुणा कराओगे तो माइनस दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, दो एकम दो एक्स, ठीक है, तो ये आ गया दो एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, मैंने इसको क्यों बोला था खोल के लिखने को, क्योंकि खोल के लिखोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो गया, निशान चेंज हो गए, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये एक माइनस का, ये एक प्लस का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं, जब इसको खोल के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस दो, माइनस अंदर गुणा होगा माइनस दो, इस माइनस को और अंदर ले जाओ, माइनस अंडर रूट दो, ठीक है। और हर एक के साथ एक्स है, यानी कि सिंपल सी बात है कि आप इसको माइनस एक्स मान लो, माइनस अंदर जाएगा दोनों के आगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, एक्स का गुणा होगा यहाँ भी ए और यहाँ भी, ठीक है। तो माइनस के दो एक्स, माइनस अंडर रूट दो एक्स, यानी कि अंदर माइनस माइनस भी गुणा हो गया और एक्स एक्स भी गुणा हो गया, ब्रैकेट से बाहर है ना, दोनों ब्रैकेट के अंदर आएंगे। अब देखिए इसमें जोड़ना क्या है, प्लस के दो एक्स जोड़ने हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये अभी भी बचा पड़ा है, ये बचा पड़ा है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लो। तो यहाँ पे नोट कर लिया, माइनस के रूट टू एक्स, ये चीज़ आ गई। और उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस का क्या आ रहा है, प्लस का अंडर रूट दो आ रहा है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही कि अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, आप कह दोगे कि इसको हम कितने से गुणा कर दें, माइनस अंडर रूट दो से गुणा कर देना, इसको कीजिए कितना आ जाएगा, माइनस अंडर रूट दो एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस इंटू प्लस, माइनस आएगा, अंडर रूट दो इंटू वन, अंडर रूट दो आ जाएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काट देंगे और काम ख़त्म कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, आंखें खोल करके करने हमें चीज़ें, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, यहाँ भी निशान चेंज, ये तो चलो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, एक अंडर रूट दो, एक अंडर रूट दो, कितने अंडर रूट दोगे, दो अंडर रूट दोगे, तो ये आ जाएगा दो अंडर रूट दो। तो शेषफल कितना आ रहा है हमारा, दो अंडर रूट दो आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमें शेषफल जीरो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, देखिए इतना आसान है, भाग देना बहुत ईजी है, बिल्कुल जैसे छोटी क्लासेस में किया था ना, बिल्कुल वैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता चलता तो आप भाग मेथड से कर लो, बीच में
में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो साइड में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल चलता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, बहुत ही मज़ेदार है सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रत्येक स्थिति में ये बताइए कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, यानी कि जो जी एक्स दिया है यानी कि एक्स प्लस वन दिया है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक्स प्लस वन इस ऊपर वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो ये आप चेक कर लोगे ना। कैसे करोगे? सिंपल सी बात है कि इसको एक्स प्लस वन से भाग दे दोगे, ठीक है। अगर शेषफल जीरो आया तो वो उसका गुणनखंड है, अदरवाइज फिर नहीं है। यही हमारी होती है गुणनखंड प्रमेय कि अगर कोई बहुपद किसी दूसरे बड़े बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब उसमें शेषफल कितना आएगा? जीरो आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलिए फिर फटाफट से एक इसमें से कर लेते हैं, आप बताइए कौन सा करें। चलिए फिर तीसरा कर लेते हैं, ऊपर के दोनों आप कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आपको क्या करना है जो पी एक्स है ना उसको यहां पर 4x² प्लस एक्स प्लस 6 इसको भाग देना है हमने जी एक्स से यानी कि एक्स माइनस 3 से, ठीक है। अब इसको भाग दो, इसका भी पहला उठा लो, इसका भी पहला उठा लो। एक्स को एक्स क्यूब बनाना है तो क्या करूँ? एक्स स्क्वायर से गुणा कर दूँ, मैंने क्या कर दिया, एक्स क्यूब बन गया। अब एक्स स्क्वायर का माइनस 3x से भी तो गुणा होगा तो माइनस 3x² ये बन गया। अब जब इनको किया तो ये माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस का 4x² है और प्लस का 3x² है, कौन सा बड़ा हो गया? माइनस वाला बड़ा हो गया ना, चार में से तीन गया एक बच गया, यानी माइनस का 1x² बच गया। ऊपर से जो भी बचा उसको नोट कर लो, ये चीज़ हमने नोट कर ली। अब यहाँ पर क्या करें, हमें क्या बनाना है? माइनस, एक तो माइनस का निशान चाहिए और एक क्या चाहिए, x चाहिए। तो माइनस एक्स ये क्या बन गया, माइनस एक्स को जब x से गुणा करेंगे तो एक तो माइनस का निशान आ जाएगा, x इंटू एक्स x² बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये कितना है, माइनस, ये भी क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3x क्या हो जाएगा, 3x। चलिए ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखिए माइनस के 3x प्लस का x बड़ा कौन सा, माइनस वाला ना, तो इसका मतलब माइनस का निशान आएगा। तीन में से एक गया, 2x बच गया, प्लस में क्या बच गया, 6 बच गया। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका भी पहला उठा लो, इसका भी पहला उठा लो, मुझे क्या करना है कि मुझे इस x को माइनस का 2x बनाना है तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, कि एक तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, एक 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस 2x। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 दुने क्या हो जाएंगे, 6। जब ये करेंगे निशान चेंज तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा कट हो गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये दोनों रहेंगे आपके होमवर्क, आप मुझे जो है करके और फिर बताएंगे कि हाँ जी ये इसके गुणनखंड आ रहे हैं या गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, यस या नो लिख करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन तो हमारा हो गया, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहे हैं आपको कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जब निम्नलिखित दिए गए बहुपदों का गुणनखंड एक्स माइनस एक होगा। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये जो चैप्टर है ना वो एक जुनून के साथ कंप्लीट करना है। इनफैक्ट हमने जो पूरी की पूरी मैथ्स है ना हमारी 9th क्लास की वो पूरे जुनून के साथ कंप्लीट करनी है, क्योंकि आगे हमारी 10th क्लास है, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के जाएंगे। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी सी बात किसी जने ने लिखी है कि जिनके रगों में खून की जगह जुनून दौड़ता है, जिनकी रगों में खून की जगह जुनून दौड़ता है वही लोग होते हैं जो नामुमकिन से दिखने वाले रिकॉर्डों को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए, किसके लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए, इनफैक्ट हमारी 9th क्लास के लिए, हमारी 10th क्लास के लिए। मेरिट में आना है हमें, मेरिट में नहीं आना है तो सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है, ठीक है। अब चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
कि अब तक हमने क्या सीखा कि अगर कोई बहुपद होता है और कोई अन्य बहुपद अगर इस बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब उस बहुपद से, यानी कि इसमें सिंपल दिया है कि एक्स माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि x माइनस वन से इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें दिया है कि यदि x माइनस वन निम्न बहुपदों का एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, इस x माइनस वन को से भाग देंगे इस बहुपद को। ठीक है, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा और वो शेषफल होगा वो किसके पदों में होगा, k के पदों में होगा। और हमें पता है कि ये तो गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल जीरो आएगा, तो जो शेषफल आएगा उसको जीरो के बराबर रख देंगे और k का मान हमारा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके सॉल्व करके फिर हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर तीन है, फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। सिंपल सी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसको भाग देना है हमने एक्स माइनस वन से, एक्स माइनस वन से भाग देना है। तो देखिए, इसका भी पहला पहला उठा लिया, इसका भी पहला पहला, इसको एक्स स्क्वायर बना रहे हैं, क्या किया जाए, एक्स से गुणा कर देना। तो चलिए, ये तो एक्स स्क्वायर बन गया। जब एक्स को माइनस वन से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बन जाएगा। अब जैसे ही माइनस करेंगे निशान चेंज, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये एक्स और ये एक्स कितने बन गए, दो एक्स बन गए, दो एक्स प्लस के बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसका भी पहला इसका भी पहला, मुझे इसको दो एक्स बनाना है तो क्या किया जाए, दो एक्स है ना, दो एक्स बनाना पड़ेगा, दो एक्स बनाना है तो क्या करूँ, इसको दो से गुणा कर दूँ, मैंने दो से गुणा कर दिया तो ये हो गया दो एक्स। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस दो इंटू एक दो आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ही हम निशान चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना बच गया, के प्लस दो बच गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि ये तो इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है, इसका मान कितना आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था। इसका मतलब के प्लस दो बराबर जीरो है, तो के कितना हो जाएगा, प्लस दो को उधर ले जाओ, माइनस दो हो जाएगा। इस तरह से हमने करना था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी पहले हम भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो के पदों में आएगा। हमें पता है कि ये तो इसका गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल जीरो आना चाहिए था, शेषफल को जीरो करेंगे तो के का मान हमारे पास आ जाएगा। ये चीज़ आपको सिंपली समझ आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट, दो पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं और दो पार्ट आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क रह जाएंगे। सेकेंड पार्ट कहता है आपका, दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट दो जो है वो, इसको भाग देना आपने एक्स माइनस वन से। तो इसका भी पहला उठा लिया, इसका भी पहला उठा लिया, मुझे इसको दो एक्स स्क्वायर बनाना है, दो एक्स स्क्वायर बनाना है ना, तो क्या करूँ, इसको एक तो दो से गुणा करना पड़ेगा और एक्स से गुणा करना पड़ेगा। दो एक्स को इससे गुणा करो, क्या आएगा, दो इंटू एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का दो एक्स आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर निशान चेंज हो गया, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना बच गया, देखो ये के एक्स और ये दो एक्स, ठीक है ना, तो कितना बच गया, एक्स कॉमन ले लो, दोनों में एक्स कॉमन ले लिया, सॉरी दोनों में x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, k बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, दो बच जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट दो बचा हुआ, उसको यहाँ पर नीचे नोट कर लिया। अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि मुझे इस x को k प्लस दो एक्स बनाना है, तो क्या किया जाए, इसको k प्लस एक्स से गुणा कर लेते हैं। चलिए इस पूरे को k प्लस एक्स को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले x से गुणा होगा, यानी कि k प्लस दो इंटू एक्स आ गया। फिर माइनस वन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है दो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, दो लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि k प्लस दो से गुणा करवाना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, k प्लस दो एक्स आ गया। अब माइनस वन से जब k प्लस दो को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का k प्लस दो ब्रैकेट में आ जाएगा। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर निशान हो जाएंगे हमारे चेंज, ये हो गया हमारा कैंसल। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इनको जोड़ करके जरा नीचे लिख लो, क्या क्या बचा है, एक तो बचा है हमारा, निशान चेंज हो गया, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, तो ये पूरा प्लस में है। एक तो बचा k,
प्लस में क्या बच गया, दो, प्लस में क्या बच गया, अंडर रूट दो, ये आ गया हमारा शेषफल। लेकिन हमें तो क्या पता है कि शेषफल कितना आना चाहिए, जीरो। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, जीरो। अब के का मान ज्ञात करो जरा, के कितना आ जाएगा, जो भी है उसको उधर ले जाओ, माइनस दो माइनस अंडर रूट दो, ये आ जाएगा आंसर कि के का मान कितना आ गया, माइनस दो माइनस अंडर रूट दो। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है ना, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। तो ये जो बाकी के दो क्वेश्चन बचे हैं ये हमारे होमवर्क है। आपको क्या करना है, इसको और इसको दोनों को अलग अलग x माइनस वन से भाग देना है, जो भी शेषफल आए उसको जीरो के बराबर पुट कर देना, k का मान आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस वीडियो में बस हम तीन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारी प्रश्नावली 2.4 के तीन ही क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार सी प्रश्नावली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तब भी हमें जो है ये प्रश्नावली ईजी सी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।